कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टर्म है। इस वर्ड का मतलब होता है कि CSR, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है। इस वर्ड का मतलब होता है कि जो भी कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या जिन कंपनीज का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या जो भी कंपनीज नेट प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है, वह कंपनी कुछ समाज सेवा का काम करती हैं। समाज सेवा का काम किस तरह का करेंगी कि मान लो इरेडिकेटिंग हंगर, भूखमरी को ख़त्म करने के लिए कुछ डोनेशन करेंगी, या कुछ पावर्टी को ख़त्म करने के लिए डोनेशन देंगी, या आपने देखा होगा बाल विद्या मंदिर जैसे कुछ स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, या कुछ NGOs चलते हैं उसके अंदर भी कंपनीज डोनेट कर सकती है। जेंडर इक्वालिटी के लिए, मेल और फीमेल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए भी कुछ डोनेशन दे सकती है कुछ NGOs को, और इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए भी देती है डोनेशन, और रूरल डेवलपमेंट यानी गांव में विकास के लिए भी उनको डोनेशन देना होगा। किन कंपनीज़ को? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है प्रॉफिट भी, तो वह अपना नेट प्रॉफिट में से 2% का जो प्रॉफिट रहेगा उसको डोनेट करेंगी। और कैसे डोनेट करती हैं? लास्ट 3 ईयर्स का फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2024 है, 2024 में कंपनी का प्रॉफिट आ गया 5 करोड़ से ज़्यादा, तो बस इसी ईयर को नहीं देखेंगे, पुरानी 3 साल को 2023 देखेंगे, 2022 देखेंगे। अगर इन तीनों सालों में कंपनी ने ज़्यादा अर्न किया है प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा, तब जाके उसको डोनेट करना होगा। सिर्फ 2% डोनेट करना होता है। अब CSR को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनीज कमेटी भी बनाती है, उसके अंदर 3 डायरेक्टर रखती है, और उस कंपनी के अंदर कमेटी ड्राफ्ट चेक करती है कि एक्टिविटीज़ जो हैं कंपनी शो करें। जैसे मान लो कंपनी क्या शो करेगी, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है अगर वह सर्टेन अमाउंट अर्न कर रही है, तो प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर कंपनी फॉलो ना करें, जैसे मान लो कंपनी भले ही लाभ उठा रही है उसका, 5 करोड़ से ज़्यादा अर्न कर रही है प्रॉफिट, फिर भी वह ऐसा डोनेशन ना करे, तो उसके लिए एक बोर्ड बनता है, कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज देयर CSR एक्टिविटीज़। तो जो CSR एक्टिविटीज़ होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज़, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उसने क्या काम किया है पॉवर्टी के लिए, या क्या डोनेशन दिया है, 2% दिया है कि नहीं दिया है, यह उस वेब अपनी वेबसाइट जो होती है उस वेबसाइट पे उनको दिखाना होता है। कि अगर मान लो आपकी प्रॉफिट भी अच्छी हो रही है और आपने उसको शो भी नहीं किया है, तो आपने क्यों नहीं किया है इसका रीज़न बताना होता है। और अगर ऐसा करते हुए पकड़ ली जाती है कोई भी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा है 3 साल से लगातार, तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। अब सवाल आता है कितने तरह के होते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये आपको 4 तरह के मिल जाएंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनीज टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसके अंदर कंपनी को एक कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे? प्लांट करेंगे ट्रीज़ को, और रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन को, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं जैसे कि सोलर पावर को, और जो वेस्ट, मैनेजिंग वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, जो भी वेस्ट आता है उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करना है कंपनी को। जो कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है वह कंपनी 2% जरूर खर्च करेगी, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उनकी, जैसे कंपनी इंश्योर देयर एक्शंस आर फेयर एंड एथिकल। कंपनी के डायरेक्टर के जो एक्शंस होते हैं वो फेयर होने चाहिए, वो एथिकल होने चाहिए, कि व्यवहारिक होने चाहिए। उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है इक्वल देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए जो कि जिसकी एज 16 साल से कम है। अब फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की होती है। फिलैंथ्रोपिक मतलब ये होता है समाज सेवा। कंपनी को कुछ ऐसा डोनेट करना चाहिए मनी, अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, NGO में जाके डायरेक्टर्स जाएँ और जाके प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी और इरेडिकेशन ऑफ हंगर, ये सब उनको करना चाहिए। NGOs को फंड देना चाहिए, चैरिटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। आखिरी आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वाई शुड अ कंपनी इम्प्लीमेंट CSR स्ट्रेटजीज़? अब कंपनी को ऐसा क्यों करना चाहिए? चलो आपको पता है कि तो सेक्शन 135 के अंदर दिया हुआ है, तो कंपनी फॉलो जरूर करेगी। अगर आप इस सेक्शन को हटा दें और अगर सोचें कि ऐसा कंपनी क्यों करेगी, अगर मान सेक्शन में ना लिखा होता, जो भी कंपनी CSR के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं पैसे या डोनेट करते हैं, तो उन कंपनीज का पॉजिटिव इमेज बनता है हमारे समाज में। लोग सोचते हैं ये रिस्पॉन्सिबल कंपनी है जो समाज के बारे में भी सोचती है, इतना अच्छा अर्न करते हुए, और एक ट्रस्ट वर्दी भी कंपनी है, भरोसा कर सकते हैं लोग उन कंपनीज पे। वो कस्टमर को भी अट्रैक्ट करती हैं, जो इतनी बड़ी कंपनी होके अगर समाज सेवा का काम करेगी तो वह न्यूज़ में भी बनी रहेगी और वह चर्चा का विषय रहेगी, तो वो कस्टमर को अपने आप ही अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना और एम्प्लॉय मोरल, जो भी कंपनी मान लो इस टाटा कंपनी है,
टाटा कंपनी इतनी अच्छी है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छे हैं ये उनको लगता है, क्योंकि समाज उनको एक अच्छे नज़र से देखता है, क्योंकि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने काफ़ी डोनेशन दे रखे हैं समाज को, हेल्प द कम्युनिटी, इस तरह से समाज की भी हेल्प हो जाएगी, कम्युनिटी की भी हेल्प हो जाएगी, इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप, जो बिजनेस रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव भी हो जाता है, और लीगल कॉम्प्लायंस, वही हमारे बेरेट के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 135 के अंदर, कंपनी को ऐसा करना है, अगर नहीं करेगी तो उस पर पेनल्टी लग जाएगा, और कितना डोनेट करना है, सिर्फ 2%, 2% देगी सिर्फ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होता है इससे कंपनी का। तो ये लेक्चर कंप्लीट था CSR पे, कॉरपोरेट सोशल रिसर्च सेक्शन 135, जो भी कंपनी सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा कमा रही है 2% इन्वेस्ट करेगी डोनेशन में।